आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडुकट का सैम्पल पेपर तो एडुकट का सैम्पल पेपर में पहले तो अठों जो है वो सॉल्व किया हुआ है तो so, हम लोग सेल्फ असेसमेंट नाइन से कर रहे हैं सैम्पल पेपर नाइन है इसमें सेल्फ असेसमेंट बोल के है तो so, ये वाला सॉल्व किया नहीं है तो वो वाला स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो so, पहले सेक्शन ए में बोल रहे हैं साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों रूट्स दिया हुआ है तो हम लोगों का जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इसमें अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस बीटा ये अल्फा ये दोनों रूट्स दिया हुआ है तो हम लोगों uh, का जो रूट्स का शाम था वो क्या है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इजिकल टू माइनस बी बाई ए इसक्वेसन से रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स ये जो रिलेशन था वो सबसे ये हम निकाल रहे हैं और दूसरा में क्या साइन अल्फा इधर एक थे प्रोडक्ट क्या था साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए ये? ये था तो यहाँ से इसको स्क्वायरिंग कर रहे हैं बहुत साइड को तो क्या आएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइना बाई ए स्क्वायर ये खोल देते हैं तो स्क्वायर को ओपन करने से कॉस स्क्वायर अल्फा ऐ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फाइ प्लस टू साइन थीटा साइन अल्फा क्लॉस अल्फा ये क्या होता है वन टू साइन अल्फा कॉस अल्फा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसका वैल्यू क्या है सी बाई ए तो इधर सी बाई ए बैठा देते हैं सी बाई ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर वन तो हमको बी स्क्वायर बोला था ये बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है तेन बी स्क्वायर इजिकल टू तो हम थोड़ा सा इधर ले, ले लेते हैं इसको नहीं तो इधर ही हो जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर को सिंगल रखना है तो कैसे करेंगे इसको पहले एक बार एल कर लेते हैं ए ए प्लस टू सी इजिकल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो इधर से ए कट जाएगा तो ए स्क्वायर मैंने स्क्वायर से ए कटा तो ए पड़ा रहा तो फाइनली क्या जाएगा <coughs> बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए प्लस टू सी फाइनली ए स्क्वायर प्लस टू ए सी यही है बी स्क्वायर का वैल्यू तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस टू ए सी कौन सी हो गया देखिए ए स्क्वायर प्लस टू ए सी ये बी वाला ऑप्शन हो गया ठीक है ये बी वाला ऑप्शन ठीक है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए सी ठीक है ओके नेक्स्ट में बोल रहा है इन द रेक्टेंगल ओ ए बी सी देंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इफ द थ्री से तो 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 इसका डायगोनल निकालने बोल रहा है तीन भाटी से दे दिया तो एक रेक्टेंगल है समझ लीजिए स्टेप का रेक्टेंगल है इसमें यहाँ पर वो ए बी सी ये तीन दे दिया डायगोनल इस डायगोनल एड वाटी से क्या दिया है ओ का दे दिया ज़ीरो ज़ीरो ए का दे दिया जीरो कोमा थ्री बी का दे दिया फाइव कोमा ज़ीरो इसका दिया नहीं तो हमको डायगोनल तो दोनों का रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल इक्वली होता है तो हम लोग ओ भी लेंगे वही डायगोनल हो जाएगा तो डायगोनल मतलब डिस्टेंस ये दोनों का डिस्टेंस सिगन है तो ये दोनों का डिस्टेंस क्या आ जाएगा जीरो माइनस फाइव उसका स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो उसका स्क्वायर तो फाइनली फाइव स्क्वायर तो फाइव निकल के आएगा इतना यूनिट तो ऑप्शन नंबर ए हो गया ठीक है दो का ए अच्छा तीन नंबर में बोल रहा है नंबर थ्री में इफ रेडी ऑफ टू की कॉन्सेंट्रिक सर्कल दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है आर एट एंड टेन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है मतलब ऐसे एक सर्कल है अंदर में एक सर्कल है दोनों का रेडियस बोल दिया मतलब एक ठोका एट है और बड़ा का जो है वो है दस then the length of each chord then the length of each chord of one circle which is tangent of other length of each chord तो कोट का लेंथ बोला है मतलब ये जो है ये बोला है ये हमको यहाँ से यहाँ तक इसका भेलू चाहिए तो ये तो हो गया आठ मतलब यहाँ से यहाँ तक आठ यहाँ से यहाँ तक दोस हो गया कॉट से जो ये राइट एंगल है तो राइट एंगल होने से ये हो गया आठ ये हो गया दस ये हाईपोटिनियस हो गया तो हम लोगों को ये का इसका वैल्यू चाहिए तो पार्ट कॉट का क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर माइनस एट से स्क्वायर रूट तो ह हाँ गया हंड्रेड और इधर सिक्सटी फोर फाइनली थर्टी सिक्स फाइनली सिक्स तो हाफ पार्ट सिक्स आ गया बाकी हाफ पार्ट सिक्स है तो फाइनली दोनों मिला के क्या हो जाएगा सिक्स प्लस सिक्स इजिकल टू ट्वेल्व इतना सेंटीमीटर ठीक <coughs> है ओके okay, नेक्स्ट अच्छा यहाँ पर बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एक तो <coughs> ये दे दिया आपको चार्ट दे दिया चार्ट देने के बाद बोला मीडियन क्लास क्या होगा तो मीडियन क्लास हम लोगों को तो ये चार्ट दे दिया वोजाइब बोल के जो हम लोग करते थे उस टाइप का चार्ट दे दिया ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है तो हम लोगों को मीडियन क्लास करने के लिए ये जो बिलो लिखा हुआ है इसको क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा <coughs> तो हम लोग कैसे क्लास में कन्वर्ट करते थे बिलो टेन इसको क्या लिखते थे ज़ीरो से टेन बिलो ट्वेंटी इसको कैसे लिखते थे टेन से ट्वेंटी फिर ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोर्टी फोर्टी से फिफ्टी फिफ्टी uh, से सिक्सटी और इधर क्यूमलेटरी फ्रिकेंसी दिया हुआ है मतलब ए निकल टू क्या हो जाएगा ए एट्टी दिया हुआ है <coughs> तो एन बाई टू क्या आ जाएगा एट्टी बाई टू इकल टू फोर्टी मतलब फोर्टी हम लोगों का जो मैंने आपका ह्यूमिटी फ्रिक्वेंसी जिसके अंदर पड़ेगा वही मीडियन क्लास होगा तो फोर्टी किसके अंदर पड़ रहा है इसके अंदर ये वाला फोर्टी के अंदर पड़ रहा है तो ये वाला होने से हम लोगों का ये है फोर्टी के अंदर तो ये क्या आ जाएगा मीडियन क्लास थर्टी टू फोर्टी तो थर्टी टू फोर्टी हो गया आपका इसका मीडियन क्लास थर्टी टू फोर्टी ये सी वाला थर्टी टू फोर्टी है ठीक है इसके बाद आ रहा है फाइव फाइव में क्या बोल रहा है इन एन ए पी इफ ए इक्वल टू ए एन इक्वल टू और एन इक्वल टू बोल दिया देन एन का वैल्यू बोला तो ए लोग हम लोगों का फर्स्ट टर्म ए हो जाता ए इक्वल टू क्या आता भाई ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया ए ए इक्वल टू हो गया सत्रह तो ए ए निकल टू क्या होता है हम लोगों का फॉर्मूला ए निकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी निकल टू सत्रह और एक तो एस एन दिया हुआ है एस निकल टू टू वन सिक्स तो इसका क्या आ जाता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी दो सौ सोलह तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं ये अगर दोनों <coughs> ये यहां पर ए पुट कर हैं, तो वन प्लस एन माइनस वन n टू सत्रह एन माइनस वन डी एकल टू सत्रह माइनस वन तो इसका वैल्यू सिक्सटीन आ गया तो इसको रख देते हैं इसको यहां पर पुट करेंगे यहाँ पर फुटका गए तो एन बाई टू रहा यहाँ तो एक है ये जो वन दे दिया इसका वैल्यू तो ये वन बैठा दिया प्लस इसका कितना आ गया सोलह तो ये सोलह बैठा दिया इक्वल टू तो दो सौ सोलह फाइनली इधर की सोलह और इधर दो मतलब अठारह एन बाई टू इन टू अठारह इक्वल टू टू वन सिक्स नौ हो गया तो फाइनली इक्वल टू टू वन सिक्स बाई नाइन नौ से कट रहे हैं कटरे चन्न छत्तीस तो एनिकल टू ट्वेंटी फोर एनिको ट्वेंटी फोर आ गया तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है ओके नेक्स्ट सिक्स वाला क्वेश्चन में बोल रहा है द जीरोज ऑफ क्वारिक पॉलिनोमियल ये टू पॉलिनोमियल दे दिया है वहाँ के इक्वल टू जीरो कैनॉट बी बोथ पॉजिटिव कैनॉट बी बोथ नेगेटिव आर ऑलवेज इक्वल आर ऑलवेज इक्वल मान अनइक्वल होगा ये वाला अनइक्वल होगा ठीक है तो क्या बोल रहे हैं दोनों का अगर रूट्स रूट्स के हिसाब से करना है तो हम लोगों का जो एक ठो ऑप्शन मैंने ये दिया है एक और इक्वेशन दिया है इसका जो रूट्स है समझे थे अल्फा और बीटा दोनों रूट्स हैं तो पहले प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू प्रोडा बीटा का क्या होगा के बाई वन तो ये क्या ए, के बाई वन हो गया और आपका आ, ये अगर के बाई वन होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव है ठीक है तो समझ लीजिए अगर ये दोनों का आ, जो साइन है ये पॉजिटिव होने से मैंने दोनों का प्रोडक्ट जब पॉजिटिव होगा तो दोनों आइदर पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा तभी ये ऑप्शन आ सकता है मतलब पहले क्वेश्चन में हम लोग समझ लिया अल्फा अल्फा माने अल्फ़ा बीटा आइदर पॉजिटिव माने पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा अभी अगर जो इसका जो दूसरा ये ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो के बाई वन मतलब माइनस के आ गया तो माइनस के होने से क्या रहेगा इसका कंडीशन होने से दोनों का अगर प्लस होता है दोनों का प्लस होता है तभी ये कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा दोनों माइनस होता है तभी ये नेगेटिव आएगा मतलब ये ऑप्शन हो सकता है ये ऑप्शन हो सकता है ये तो कभी नहीं होगा ये तो कभी नहीं होगा तो हम लोगों का जो नंबर वन ऑप्शन है उसमें दिया है कैनॉट बी बोथ पॉजिटिव तो कैनॉट बी बोथ पॉजिटिव यही वाला फाइनल होगा कैनॉट बी बोथ नेगेटिव बोथ नेगेटिव हो सकता है क्योंकि हम लोगों का जब दोनों माइनस होगा तब तो ये रिटर्न करेगा लेकिन पॉजिटिव होने से कभी भी माइनस नहीं आएगा तो माइनस होने से माने दोनों माइनस होगा तभी माइनस आएगा क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन जो सेटिस्फाई हो गया माने इनटू से सेटिस्फाई कर लिया उसमें क्या देखा जो दोनों प्लस ही आना चाहिए नहीं तो दोनों माइनस आना तभी इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा ठीक है क्योंकि ये अल्फ़ा इंटू बीटा एकल टू के पॉजिटिव है तो नेगेटिव होने से क्या ना जब प्लस कर रहे हैं तब तो माइनस के बाई वन है तो माइनस के आ रहा है मतलब इसको नेगेटिव होना चाहिए माने ये जो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है वो नेगेटिव होना चाहिए वो कहाँ से नेगेटिव होगा जब दोनों का माइनस होगा तभी होगा मतलब ये वाला कैनॉट भी बहुत नेगेटिव बहुत ही नेगेटिव होगा पॉजिटिव तो नहीं होगा पॉजिटिव होने से ये पॉजिटिव आ जाता तो इसीलिए नंबर वन सिक्स वाला नंबर ए का ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर सेवन है इसमें बोल रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है रिप्रेजेंट टू लाइंस हुई चार इंटरसेक्टिंग एट एक्जैक्टली वन पॉइंट अच्छा मैंने आपको ये जो दिया हुआ है uh, दो टो तो लाइन हम लोगों का कंडीशन था दो लाइन होने से हम लोग कैसे निकालते थे ये एक ठो इक्वेशन दे दिया और एक ठो एक्स ये वाले इक्वेशन दे दिया तो ये दोनों का इंटरसेक्टिंग होता था मैं तीन कंडीशन था एक ठो पैराल था एक इंटरसेक्टिंग था और एक तो ओवरलेप था को लाइन था तो इसमें तीनों दिया है तो देखें बोला क्या तो कंडीशन क्या था इसका बाई इसका माने एक्स का कोपिशियंट और इसका एक्स का कोफिशियट का रेशियो करते थे ये वाला एक तो हो गया दूसरा क्या हो गया वाई का कोफिशियंट क्या है माइनस वन बाई माइनस टू मतलब ए ए वन बाई ए टू था और ए बी वन बी टू था और सी वन बाई सी टू था क्या सी वन बाई सी टू तो था तो वो नाइन बाई टेन था तो इसका आ रहा है हाफ इसका भी हाफ आ रहा है और इसका नाइन बाई टेन ही आ रहा है तो फाइनली क्या हो गया कंडीशन ए बाई ए टू इजिकल टू ए बाई बी वन बाई बी टू नॉटिकल टू सी वन बाई सी टू ये कंडीशन हो गया हम लोगों का तो ये कंडीशन होने से क्या होता था ये जब कंडीशन होता था तो ये क्या बोलता था हम लोग ये पैराला लाइन है कोई इंसिडेंट नहीं है किया मतलब मतलब इसका कोई सॉल्व नहीं निकलेगा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ये पैरला लाइन है तो नंबर सी वाला इसका ऑप्शन हो गया ठीक है सेवन का सी ओके okay. अच्छा नेक्स्ट अच्छा नंबर एट में क्या बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछा है तो एक सेक्सिस ये हो गया और ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है माइनस थ्री माइनस फोर तो माइनस थ्री इधर गया माइनस फोर मतलब यहाँ पर कहीं है माइनस थ्री माइनस फोर तो ये जो डिस्टेंस है यही ही एक एक्सिस से आपका एक से डिस्टेंस है तो ये कितना है माइनस फोर मतलब ये डिस्टेंस फोर ही रहेगा डिस्टेंस फोर होगा लेकिन कोऑर्डिनेट के हिसाब से माइनस फोर है लेकिन हम लोगों का डिस्टेंस जो पूछा है वो फोर ही रहेगा ठीक है ऑप्शन डी हो गया नाइन में बोल रहा है ए हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज ऑफ ट्वेंटी टू सेंटीमीटर इज फील विथ स्पेरिकल मार्बल्स ऑफ डायमीटर जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड इट इज एजूम दैट वन बाई एट स्पेस ऑफ क्यूब रिमेनिंग अनफिल्ड अच्छा हाउ मेनी मार्बल्स आट दे आर इन द क्यूब एक तो हॉलो क्यूब दिया हुआ है बॉक्स टाइप का कुछ दिया हुआ है इसमें बोल रहा है इसका सबेज तो इक्वली होगा ये क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ हाइट एक ही है तो इसमें बोल रहा है वन एट स्पेस आ, अनफील्ड है मतलब फील कितना हो गया फील हो गया वन माइनस वन बाई एट इकल टू सेवन बाई एट पार्ट इसका फील है किससे फील है ना ये गोल गोलक से फील है ये ऐसे गोल गोला दिया हुआ है तो ये पूरा भर्ती है तो ये बोल दिया गोलक का uh, ये जो uh, ये आपका uh, स्पियर है स्पियर का डायमीटर दे दिया पॉइंट फाइव uh, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट टू फाइव इसको दो ही से भाग करने से आ जाएगा तो ये रेडियस आ गया तो हम लोगों को बोला कितना इसका अंदर कितना स्पेयर है स्पेरिकल बॉल है तो हम लोगों का वॉलूम से ही ये निकलेगा तो वॉलूम पहले हम लोग ये इसका वॉलूम निकाल लेते हैं माने आपका हलो जो क्यूब है इसका तो कितना भरती है सेवन बाई एट पार्ट तो हॉलो का वॉलूम क्या हो गया ए क्यूब होता है तो ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी टू ये टोटल वॉल्यूम है उसका सेवन बाई एट पार्ट भर्ती हुआ है तो ये इक्वल टू क्या स्पेरिकल का वॉल्यूम आ जाएगा तो वेरिकल स्पेरिकल uh, जो है वो एन क्वांटिटी ले लेता uh, है एन क्वांटिटी का स्पेरिकल बॉल है मतलब एन संख्यक बॉल है तो इसका बाकी फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब फोर बाई थ्री ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर हो गया पॉइंट टू फाइव इसका क्यूब तो फाइनली क्या आएगा ए निकल टू ये सब मैंने ये इन इधर रख दिया और बाकी सब इसको इधर लेके गया तो फाइनली क्या आ रहा है ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी टू इंटू सेवेन नीचे का थ्री इंटू सेवन ऊपर चला गया और नीचे में आ गया एट इंटू फोर इंटू ट्वेंटी टू इंटू पॉइंट टू फाइव इसका क्यूब मतलब तीन बार पॉइंट टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव तो इसको अगर डायरेक्ट ट्वेंटी फाइव लिखेंगे तो हम लोग ऊपर में 100 -100 सौ सौ मल्टीप्लाई कर देते हैं तीन ऊपर सौ सौ आ गया तीन ठो और नीचे में तीन ठो पच्चीस आ गया अच्छा इसका फाइनली आ गया वन फोर टू टू नाइन सिक्स इतना क्वांटिटी आ गया तो कितना आ रहा है देखते हैं ये जो वन फोर टू नाइन तो ये वाला ही ऑप्शन ठीक है सी ए वाला ऑप्शन ठीक है तो ये क्वांटिटी आ गया इतना स्पेडिकल बॉल इसके अंदर रहेगा ठीक है ओके दस में क्या बोल रहा है इफ़ ये दे दिया वैल्यू ऑफ इतना ठीक है तो हम लोगों को क्या दे दिया फोर टेन थीटा इजिकल टू थ्री दे दिया हम लोग को निकालने बोला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई फोर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो यह फाइनली क्या है टेन थीटा एकल टू थ्री बाई फोर है तो इसको हम लोग टेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टेन भिट कन्वर्ट करने से क्या रहेगा ना कॉस से बोझ साइड को हम मैंने ऊपर नीचे कॉस से डिवाइडेड कर रहे हैं कॉस थीटा से डिवाइडेड कर रहे हैं तो फाइनली क्या आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस् थीटा माइनस थीटा बाय कॉस् थीटा और नीचे आ जाएगा फोर साइन थीटा बाय कॉस् थीटा प्लस थीटा बाय कॉस् थीटा तो ये तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा फोर टेन थीटा माइनस वन और इधर फोर टेन थीटा प्लस वन तो अभी इसका वैलू बैठा देता है थ्री बाई फोर तो फोर इंटू थ्री बाई फोर प्ला माइनस वन और फोर इंटू थ्री बाई फोर प्लस वन तो फाइनली आ गया कट गया कट गया तो थ्री माइनस वन और थ्री प्लस वन हो गया टू बाई फोर कटने से हाफ आंसर आ जाएगा हाफ़ इसका आंसर है ठीक है नंबर सी ठीक है अच्छा नेक्स्ट ग्यारह में बोल रहे हैं क्या <coughs> ऑल द थ्री फेस कार्ड ऑफ स्प्रेड आर रिमूव ठीक है तो फ्रॉम ए पैक ऑफ फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड फिफ्टी टू जो प्लेइंग कार्ड है उसके उससे थ्री फेस कार्ड ऑफ स्प्रेट का उठा लिया मैंने ये निकाल दिया इससे तो तीन स्प्रेट uh, का फेस कार्ड तीन ठों रहता है Uh, क्या क्या के का रहता है जे का रहता है और क्यू का रहता है तो ये तीन फेस कार्ड उठा लिया तो बाकी अभी कितना पड़ा है फाइव फिफ्टी टू माइनस थ्री हो गया फोर्टी नाइन ये फोर्टी नाइन अभी कार्ट पड़ा है तो इसमें से क्या बोल रहे हैं ए कार्ड इज़ ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक कार्ड ब्लैक क्वीन तो ब्लैक क्वीन कितना आ सकता है तो ब्लैक क्वीन तो एक ही है क्योंकि बाकी स्प्रेड का चला गया तो अभी शुदू आपका वो क्लाप का ही ब्लैक कट पड़ा है मैंने ये का आपका क्वीन का स्प्रेड का तो हम लोग उठा लिया तो ब्लैक एक तो ही पड़ा रहेगा तो वो आ जाएगा वन बाई फोर्टी नाइन टोटल अभी फोर्टी नाइन है वन बाई फोर्टी नाइन तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया ब्लैक कट का ब्लैक क्वीन का ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में बोल रहा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इफ द सारेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल ठीक है तो दोनों पेरीमीटर सर्कल और स्क्वायर का रिलेशन दे दिया <coughs> तो हम लोग पहले परिमिटर दोनों का परिमिटर और एक सर्ट इक्वल दिया है तो मतलब टू पाई आर इक्वल टू दे दिया फोर ए तो इसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा करेंगे तो आ जाएगा क्या आर इक्वल टू फोर टू पाई तो ये दो ही काट गया तो टू ए ट्वेंटी टू इंटू सेवन ये भी कट गया फाइनली सेवेन बाई इलेवन ए तो इक्वल टू सेवन बाई इलेवन ए आ गया ठीक है अभी दोनों का जो एरिया है उसका रिलेशन बोला तो हम लोगों का जो सर्कल का सर्कल का जो एरिया है वो क्या है पाई आर स्क्वायर तो आर के जगह अगर ये बैठाएंगे तो आ जाएगा कितना आ, पाई इं इतना ए स्क्वायर मतलब आ गया ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू सेवन इंटू ग्यारह इंटू सेवन इंटू ग्यारह इंटू ए स्क्वायर साथ साथ कट गया ये दो मतलब चौदह बाई तरह ग्यारह ए स्क्वायर अभी ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब हम स्क्वायर लिख सकते हैं मैंने स्क्वायर का एरिया मतलब क्या हो गया जो सर्कल का एरिया है सर्कल एरिया इक्वल टू फोर्टीन बाई वन स्क्वायर का एरिया मतलब हो गया ये वाला ऑलवेज बड़ो मैंने बिग होगा सर्कल का एरिया जो है सर्कल का एरिया ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर का एरिया क्यों ना स्क्वायर का एरिया जो है वो फोटीन बाई एलेवन टाइम्स इसका है मतलब सर्कल बड़ा है ये छोटा है ये छोटा है, है ये बड़ा है इसीलिए तो इसको ज़्यादा माने मतलब ये अगर चौदह को ये माने ये वाला जो है इसको अगर करेंगे सर्कल एरिया इजिकल टू चौदह बाई ग्यारह मतलब हो गया चौदह एक ये आ गया तीन मतलब पॉइंट हो गया टू तो अप्रोक्सीमेट वन पॉइंट टू एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ठीक है स्क्वायर का एरिया तो ऑलवेज ये वाला बड़ा होगा तो सर्कल का एरिया ऑलवेज बड़ा होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू दीजिए एरिया ऑफ सर्कल लेस देन दिया सर्कल हाँ तो ये सी नंबर ऑप्शन ऑलवेज मैंने फाइनल मैंने ये वाला सर्किल ऑलवेज बड़ा होगा उस दोनों का सारकम्फरेंस अगर इक्वल है तो एरिया ऑफ सर्कल ऑलवेज बड़ा होगा ठीक है ओके okay, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर में थर्टीन में बोल रहा है द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम वन टू टेन बोथ एक्सक्लूसिव ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें मैंने फ्रॉम जब बोलता है तब वन एंड टेन दोनों इंक्लूड रहता है एक्सक्लूड कब रहता है एक्सक्लूसिव कब रहता है बिटवीन जब बोलता है तो मेरे हिसाब से ये दोनों इंक्लूड ही होना चाहिए मैंने दोनों ये फ्रॉम जब बोला है तब ये होना नहीं चाहिए था और ये होने से बिटवीन होना चाहिए था जो भी है देखते हैं एक बार पहले तो दोनों छोड़ के ही हम लोग करते हैं तो वन कोमा uh, छोड़ देता है तो बोले क्या एक से दस तक सब नंबर में सब नंबर का आ, मैंने डिविजिबल भाई मैंने ये जो एक से दस नंबर है ये सब नंबर कोई नंबर को डिविजिबल करेगा मैंने मिनिमम जो नंबर होता है डिविजिबल करेगा मतलब क्या हो गया एक कमा दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इंक्लूड ही कर लेते हैं पहले एक बार देख लेते हैं क्या आता है तो दस नंबर को अगर हम लोग एल करेंगे जो नंबर निकल के आएगा वो वाला नंबर होगा जिससे ये सब नंबर उसको डिवाइडेड कर करेगा तो पहले दो से कटते हैं फिर थ्री से करता है फिर लेकिन दूसरे करता है तो आ जाएगा ये वन 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 ये भी वन फाइव हो गया वन सेवन टू थ्री फाइव फाइव से जाएगा <coughs> फाइनली ये सब हो गया तो एल कितना हो जाएगा टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू टू इंटू थ्री ये पे कर देते हैं छः छः तीनों बारो साठ एक सौ कुड़ी वन ट्वेंटी और इधर तीन सौ तेक्स ट्वेंटी वन ये अगर मान लिया है सुनो ये करने से आपका आ रहा है कितना फाइव दो दो इधर आ रहा है एक और इधर आ रहा है ट्वेंटी फोर सुनो शून्य फाइव टू ये आ रहा है तो ऑप्शन कोई है इसमें इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है ही होना चाहिए अगर बहुत एक्सक्लूसिव बोला है तो अगर दस नहीं होता तब यहां और तो कम नहीं होता फाइव और टेन तो ले लिया तो यही हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है तीन

यही होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ कौनस रेडियस टू सिलेंडर्स रेडियस इज थ्री टू फाइव तो दोनों कौन uh, का सिलेंडर uh, का रेशियो रेडियस uh, का रेशियो दे दिया तो uh, लिख लेता है एक बार कौन uh, कौन का रेडियस बाई सिलेंडर uh, का रेडियस सीओ एन लिखते कौनस का रेडियस <coughs> भाई सिलेंडर का रेडियस सिलेंडर रेडियस इक्वल टू दे दिया थ्री टू फाइव पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज हाइट का रेशियो पूछा है दोनों तो का हाइट का रेशियो तो कौन का हाइट का वन पकड़ लेता है और सिलेंडर का एच टू पकड़ लेते हैं तो ये हम लोगों को पूछा है क्या होगा तो इसमें कोई चीज़ मिसिंग है तो ये आइदर बोलेगा दोनों का वॉल्यूम एक है या समझ काफ़ कास्ट एरिया इक्वल है कुछ ऐसे बोलता है तो हम लोग वॉल्यूम पकड़ के चलता है वॉल्यूम अगर इक्वल होता है तो ये रेशियो दिया रेडियस दिया हुआ है हाइट का रेशो क्या होगा पूछा है तो कौन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा कौन का वॉल्यूम वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच तो ये वन है ये आपका मैंने ये पकड़ लिया था कौन का वन और इसका रेडियस का पकड़ लिए थे रेडियस एच ए आर टू ये आर वन ये ऊपर वाला आर मैंने कौन का आर वन और नीचे का सिलेंडर का आर टू तो ये जनरली क्या होता है रेशियो है तो आर इक्वल टू हो जाएगा थ्री एक्स मैंने थ्री अल्फा कोई भी कॉमन रेशियो पकड़ना पड़ता है जब हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो फाइव अल्फा अच्छा दोनों का रेशियो हमको निकालना है इसका वॉल्यूम इक्वल है तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच से इक्वल है कौन का सिलेंडर का वॉल्यूम से इक्वल है ये वन ये वन कर देता है च टू तो ये दोनों इक्वल है ये कौन का वैल्यूम है ये सिलेंडर का वैल्यूम है तो पहले तो यहाँ से पाई कट गया फिर हम लोग ये वैल्यू पुट कर रहे आर वन का वैल्यू है थ्री अल्फ़ा इसका स्क्वायर इंटू एच वन इक्वल टू आर टू का वैल्यू फाइव अल्फा इसका स्क्वायर इंटू एच टू फाइनली <coughs> ये आ रहा है नाइन अल्फा स्क्वायर इंटू एच वन इक्वल टू तो फाइव ट्वेंटी फाइव अल्फा स्क्वायर इंटू एच टू तो हम लोगों को एच वन एच वन बाई एच टू पूछा है तो एच टू नीचे आ गया इधर तो पच्चीस ऊपर में ही है अल्फा स्क्वायर और नीचे आ गया ये काटने से थ्री अल्फा नीचे आ गया अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर काट गया फाइनली ट्वेंटी फाइव बाई थ्री यही आंसर है ठीक है ये वाला आंसर है दोनों हाइट का रेशियो का तो पच्चीस बाई तीन ऑप्शन नंबर ए हाँ ट्वेंटी फोर का ठीक है नेक्स्ट अच्छा पूछ रहा है फिफ्टीन में इफ के दोनों तीन ठो नंबर दे दिया कैसे के टू के माइनस वन और टू के प्लस वन अर्धा कॉन्जर्व्यूटिव टर्म ऑफ ए पी देन फाइन द वैल्यू ऑफ के अच्छा ये तीन ए पी में है तीन जो नंबर दिया हुआ है नंबर मतलब आपका वेरिएबल का जो नंबर दिया हुआ है ये तीन बोल रहे हैं ए पी में है तो ए पी में हम लोगों का क्या होता था अगर कोई सिक्वेंस ए पी में रहता था तो हम लोग इससे ये माइनस करते जो निकलता ये से ये माइनस करते एक ही निकल रहे दोनों सबका ही कॉमन डिफरेंस इक्वल होता तो हम लोग वही कर रहे हैं तो पहले में कंडीशन कर रहे टू के माइनस वन माइनस के इजिकल टू ये वाला टू के प्लस वन माइनस ये वाला टू के प्लस वन माइनस चेंज हो गया है प्लस माइनस को प्लस कर दिया सामने में माइनस है इसलिए अच्छा यहाँ पर हो रहा है के माइनस वन और इधर हो रहा है ये दोनों कट गया ये दो हो गया तो के इकल टू फाइनली थ्री निकल के आया तो का वैल्यू तीन आएगा नंबर बी ठीक है ओके नेक्स्ट अच्छा नंबर सिक्सटीन में बोला है द लार्ज ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए यूनिट देन द एरिया अच्छा एक तो सेमी सर्कल है ऐसे तो इसके अंदर एक मिनट हो गया से ही कर लेते हैं तो ये सेमी सर्कल तो हो गया एक तो सेमी सर्कल है इसके अंदर ट्राइंगल बहुत सारा हो सकता है ऐसे ऐसे बहुत सारा ट्राइंगल होगा तो इसमें से जो हमको क्वेश्चन में बोल रहे लार्ज ट्राइंगल जो लार्ज ट्राइंगल होगा वो क्या होगा तो जो लार्ज ट्राइंगल होता है ये तो ऐसे बहुत सारा होगा तो ये छोटा छोटा ट्राइंगल बहुत होगा लेकिन सबसे लार्जेस्ट जो ट्राइंगल होगा उसका हाइट क्या रहेगा रेडियस के इक्वल रहेगा मतलब क्या हो गया यहाँ से ये यह सेंटर है ये रेडियस है ये रेडियस बोल दिया ये यूनिट तो ये इधर ए है और यहाँ परपेंडिकुलर रहेगा जो ए है तो यहाँ से जो ट्रायंगल हम लोग ड्राइंग करेंगे ये वाला सबसे बढ़िया सबसे लार्जेस्ट इसका एरिया होगा तो इसका एरिया बोला है कितना होगा तो हम लोगों का जो ये बेस है और ये हाइट है तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे एरिया का टू ए इंटू ए माने ये बेस कितना है ए प्लस ए मतलब टू ए हो गया तो एरिया हो गया ए स्क्वायर तो एरिया निकल के आया क्या ए स्क्वायर तो हम लोग का ये ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट अच्छा नंबर सत्रह में बोल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो टो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है हैव ए हैव ए यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन नहीं टू सॉल्यूशन तो हम लोगों का जो uh, दोनों इक्वेशन क्या मैंने कंडीशन में है उसके लिए हम लोग जो करते थे वो वाला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आ गया टू वाई माइनस वन तो हम लोगों का कंडीशन था क्या है ये ए वन बाई ए टू इज इकल टू बी वन बाई बी टू टू सी वन बाई सी टू तो ये जो ऑप्शन था इसमें पहले अगर नॉट इक्वल टू होता तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता मैंने एक ही सॉल्यूशन मिलेगा अगर ये दोनों इक्वल है ए नॉटिकल टू होता है तब क्या पैरल लाइन मिलेगा कोई इक्वेशन ही नहीं मिलेगा सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा अगर तीन इक्वल होता था तो इसको माने ओवरलैप बोलते थे माने इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन मिलता था इंसिडेंट लाइन जो होता था तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या, है? क्या आ रहा है ए वन बाई ए टू क्या आ रहा है माइनस थ्री बाई वन मतलब माइनस थ्री A2 by, ए टू बाई सॉरी बी वन बाई b2 क्या आ रहा है माइनस सिक्स बाई टू मतलब माइनस थ्री और c1 c1 सी वन बाई सी क्या आ रहा है माइनस फाइव बाई माइनस वन मतलब फाइव तो ये दोनों इक्वल है ए नहीं है मतलब ये दोनों इक्वल है ये नॉट इक्वल टू है मतलब हो गया क्या पैराल लाइन मतलब नो no सॉल्यूशन तो नंबर सी नो सॉल्यूशन ठीक है तो इसका ऑप्शन आ गया नंबर सी ठीक है अच्छा नेक्स्ट अच्छा एटीन नंबर में बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रोटेंट एप्पल फ्रॉम ए लॉट फ्रॉम लॉट ऑफ फोर हंड्रेड एग्स तो अच्छा ये एग नहीं ये एप्पल होना चाहिए ये वाला चीज़ जो है ये एप्पल होना चाहिए तो हम लोग चार सौ एपल खराब एप्पल का जो चार सौ टोटल एप्पल है उसे uh, उसका प्रोब uh, खराब एप्पल का प्रोबेबिलिटी बोला ये है खराब एप्पल का प्रोबेबिलिटी तो टोटल एप्पल बोल दिया फोर हंड्रेड द नंबर ऑफ रोटेन एप्पल रोटेन एप्पल कितना हो गया पूछ रहा है तो हम लोग uh, खराब एप्पल का जो रोटेन uh, एप्पल क्या आ जाएगा टोटल मैंने इतना परसेंटेज मतलब ये परसेंटेज मतलब इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ये प्रोबेबिलिटी है मतलब ये कैलकुलेशन सौ में मैंने एक में इतना ठीक है तो चार सौ में कितना आएगा तो एक में अगर इतना होता है खराब का प्रोबेबिलिटी मतलब आ गया आपका पॉइंट के बाद ये तीन 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 शून्य आ जाएगा इन चार सौ तो आ जाएगा कितना अगर दो से करते दो इधर फाइव ये सात चौदह आठों ठीक है ऑप्शन नंबर बी ओके अच्छा नेक्स्ट अच्छा उन्नीस उन्नीस और बीस जो है ये तो एसर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन है तो पहले वाला जो ऑप्शन बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है साइंस स्क्वायथ थीटा मैंने कॉस्को थीटा कॉस्क्वायर ए प्लस साइंस स्क्वायर इक्वल टू वन इज दे ट्राइंगर आइडेंटिटी ठीक है ये तो ठीक है আচ্ছা নেক্সট বলশন ইনভোল ট্রিকোনোমেট্রিক রেশিও অফ অ্যান অ্যাংগেল ইজ কল্ড ট্রিকোমেট্রিকল আইডেন্টটিফ ইট ইজ ট্রু ফার অল দা ভুজ অফ অ্যাংল ইনভোলস আচ্ছা এসা মতলব মানে ইনফরমেশন দে ইনফরমেশন রেশিও ऑफ़ एन एंगल इज कॉल्ड टिकोनोमेटिकल आइडेंटिटी तो रेशियो का जो है उसका ही हम लोग जो एंगल का टिकोनोमेटिकल रेशियो ऑफ एंगल करते हैं उस वो सबसे ही त्रे... यह नाम आपका आइडेंटिटीज क्रिएट होता है इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल इन्वॉल्व्स जितना हम लोग वैल्यू उसमें बैठाएंगे तो उसका तो सॉल्व ही होगा तो ये एक्चुअली ये फार्मूला का बोल दिया मैंने फार्मूला कैसे बनता है उसका हिसाब से बोल दिया दोनों ही ट्रू है तो ऑप्शन नंबर क्या था बोथ एसरसन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरसन मानी ये दोनों से अंदर कोई होगा ए आर बी के अंदर से सी आर डी तो नहीं होगा तो ये तो फॉर्मूला ही है और ये फार्मूला है तो ये ही होगा माने दोनों से रिलेशन मतलब ये भी आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी कैसे निकलता है वो बोला है ये ए ही होगा ठीक है माने दोनों ठीक है यार इसका रीज़न ये बोल रहा है माने कैसे फार्मूला निकलता है ठीक है तो का ए ऑप्शन हो गया अच्छा ये नंबर ट्वेंटी में बोल रहा है इन ए सर्कुलर ड्राम ऑफ रेडियस

हम लोग ऐसे ड्राम है इसके अंदर हम लोग व्हीइट का बैग जो है उसमें एक बैग में आपका टू पॉइंट वन क्यूबिक मीटर व्हीट है तो वो नाइन्टी टू बैग्स है जो इसमें ढाल रहे हैं तो उसमें से मैंने मोटा मोटी नाइन्टी टू बैग्स इसमें भर जाएगा तो उसके हिसाब से मैंने वही बोला है और इसका रेडियस इसका रेडियस दे दिया फोर पॉइंट टू ये रेडियस दे दिया सिलेंडर का और हाइट दे दिया तीन पॉइंट पाँच मीटर ठीक है तो एक तो ये ऑप्शन दे दिया और दूसरे में बोला वॉल्यूम ऑफ क्यूब सर्कुलर डार्म वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर डार्म इज़ इतना हर आर हाइट तो हम लोगों का रेडियस और हाइट देने से वॉल्यूम वॉल्यूम कितना निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर इंच तो यहाँ पर दे दिया हाफ पाई स्क्वायर इंच हाफ तो नहीं होना चाहिए तो हम लोगों का पाई आर स्क्वायर होना चाहिए तो इसका तो रिलेशन ही कुछ नहीं निकल रहा है मैंने ये अलग है ये अलग है मैंने ये देखे कुछ और बोला भी नहीं ये कितना जगह बचेगा या क्या होगा वो सब कुछ बोला नहीं तो इन्फॉर्मेशन ये दे दिया एक ठो तो ये दे दिया तो ये वाला तो गलत ही है और ये वाला एक तो आधा इन्फॉर्मेशन दे दिया तो इसके चलते हम लोग बोल सकते हैं नीचे वाला जो सी डी uh, है उसमें ही होगा तो एसन ए इज़ ट्रू बट रीजन इज़ फॉल्स हाँ तो यही वाला होगा क्योंकि रीज़न तो मिल ही नहीं रहा है और दोनों में बोला है एसन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू तो उल्टा तो नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा माने ये जो असर संध्या है ये तो ठीक ही लग रहा है इसमें भी आधा इन्फॉर्मेशन है लेकिन ठीक दिया हुआ है और नीचे वाला तो इन्फॉर्मेशन गलत ही दिया हुआ है इसका वॉल्यूम ही हाफ सबने लिख दिया तो हाफ़ तो नहीं होना चाहिए पाई आर्स का रीच होना चाहिए तो नंबर सी इसका ऑप्शन होगा ठीक है तो ये सेक्शन ख़त्म हुआ ठीक है फिर नेक्स्ट सेक्शन में नंबर बी में करते हैं ठीक है ओके थैंक यू